राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, नए भारत की तस्वीर दिखाता है 100 करोड़ का टीकाकरण। किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक शख्स की निहंग ने की पिटाई, मुर्गा न देने पर तोड़ दी टांग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, पिस्तौल लेकर ऑडिटोरियम में घुसा शख्स। एनसीबी के समीर वानखेड़े का बयान, मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा, वे मंत्री हैं, जांच करा ले। वरुण गांधी ने एक बार फिर योगी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा तो सरकार का क्या मतलब है। भारत में पिछले 24 घंटे में 15,786 नए COVID-19 केस आए सामने, कल की तुलना में लगभग 14.5% केसों में कमी। एनडीटीवी से बोले वैक्सीन पैनल के प्रमुख, अगली 100 करोड़ टीके की खुराक में लगेंगे सिर्फ 3 से 4 महीने। कई दशकों के बाद पीएम मोदी ने थपथपाई हरियाणा के सीएम खट्टर की पीठ, मीडिया पर साधा निशाना। ओमान को 8 विकेट से हराकर स्कॉटलैंड सुपर 12 दौर में पहुंचा। अभिनेत्री अनन्या पांडे से लगातार दूसरे दिन आज फिर पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम।